हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से यार नए ट्रिप की शुरुआत, नई जगह की शुरुआत, नए डेस्टिनेशन में एक बार मैं फिर से आ गया हूँ उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। एक नया ज्योतिर्लिंग, पांचवा ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, ये चार मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके बाद मैं फिर से पहुँच गया हूँ एक बार उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने। तो यार ये ट्रिप भी मेरा एक फैमिली के साथ ट्रिप है। अभी मैं जस्ट उज्जैन में पहुँचा हूँ। सुबह नई दिल्ली से ट्रेन ले ली थी अपना, रात को चलती है अराउंड 9:30 बजे नई दिल्ली इंदौर सुपरफास्ट, जो सुबह 8:30-9 के आसपास उज्जैन छोड़ देती है। उसके बाद वहाँ से अपना होटल में बस 3-4 घंटे का होटल ले लिया था, क्योंकि रात को हमारी वापसी है, वन डे का टूर है अपना। रात को हमारी नागड़ा से ट्रेन है, नागड़ा टैक्सी या ट्रेन में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे महाकाल के दर्शन करेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, स्ट्रीट्स घूमेंगे और आपको कुछ दिखाएंगे नज़ारे यहाँ के उज्जैन के। फर्स्ट टाइम उज्जैन है, पहली बार आया हूँ मैं, और पांचवा ज्योतिर्लिंग मेरा कवर हो जाएगा। तो 12 ज्योतिर्लिंग करने का मेरा बहुत अच्छा प्लान है, कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके और आप लोगों को दिखाऊँ। तो सबसे पहले तो यार मैं महाकाल के दर्शन करने से पहले एक सिद्धार्थ करके कोई घाट है यहाँ पे उज्जैन में, वहाँ पे बहन की पूजा करवानी है। कुछ मतलब होती है जैसे कुंडली वगैरह में कोई दोष हो या बाकी सारी कुछ राहु वगैरह का हो, तो यहाँ पे वो चीज़ पूजा होती है। पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हो, काफ़ी लोगों की पूजा चल रही है, तो यहीं पर पहले उसकी पूजा होगी। बाहर कुछ खाएंगे वाएंगे, फिर मैं जाएंगे महाकाल के दर्शन करने। वो आपको मैं वहाँ पे मेन दिखाऊंगा, कुछ बाहर के स्ट्रीट्स के नज़ारे दिखाऊंगा, खाना यहाँ पे क्या क्या फेमस है, कहाँ पर आप क्या क्या अच्छे तरीके से रेस्टोरेंट में खा सकते हो, कौन सी अच्छी डिशेज हैं, वो सब मैं आपको एक बार बताऊँगा। तो ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो, ये सिफरा नदी है सारी, ये देवास से आ रही है। इंदौर के पास एक जगह है देवास, और यहीं पर ही सारा ये घाट है। ठीक है, ये घाट वगैरह है, सिफरा नदी है, यहीं पर ही सारी पूजा की जाती है जो मैं आपको बता रहा था। जैसे किसी के राहु में दिक्कत हो या कुछ भी हो तो यहीं पर सब आप पूजा कर सकते हो। अब मैं आपको सीधा मिलूंगा महाकाल के मंदिर के पास, वहीं पर आपको दिखाएंगे अपना उज्जैन का मेन ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो गाइस, वहाँ से निकलने के बाद मैं आया हूँ काल भैरव के दर्शन करने। ये है जूताघर और यहाँ से वो है काल भैरव का मंदिर सामने। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई टाइमिंग वगैरह नहीं है, खाने पीने का प्रॉपर है, पार्किंग वगैरह अवेलेबल है। महाकाल से 3-3.5 किलोमीटर के आसपास है। तो एक बार दर्शन करते हैं, फिर आपको मैं मिलता हूँ आगे, क्योंकि इसके बाद मैं खाना वाना खा के जाऊँगा महाकाल। ठीक है, वो रहा सामने मंदिर काल भैरव का। यहाँ पे शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है और वही प्रसाद आपको मिलता है खाने के लिए। ठीक है, आपको एक बार मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में, फिर बताऊँगा। और ये रहा श्री काल भैरव मंदिर। तो ये गाइस दोस्तों एंट्री है, महाकाल की लाइन में लगने वाले हैं हम आगे जाके। यहाँ उतार दिया ऑटो वाले ने, 200-250 मीटर है। यहाँ दर्शन करेंगे और वापस जाएंगे रेलवे स्टेशन, अपनी है ट्रेन। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको दर्शन के साथ और उसके बाद बताता हूँ। अंदर जाने के नज़ारे देखो, भीड़ और वो सब, बहुत भीड़ है। बाकी कैसे नज़ारे रहते हैं एक बार अंदर जाके देखते हैं। ये देखो कितने अच्छे नज़ारे हैं, यहाँ पे शिव जी की मूर्ति भी थी, अभी आपको दिखाता हूँ एक बार। बहुत सारे नज़ारे, ये एंट्री है बिल्कुल महाकाल की ना, नॉर्मल VIP गेट वहाँ पर था, जिसकी 250 रुपये की पर पर्सन की टिकट है। इसका टाइम है सुबह 4 बजे रात को 11 बजे तक ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम। अब कौन सा द्वार है, कहाँ पे है, एक बार देखना पड़ेगा। तो एक बार ये आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी जगह है एंट्री की, देखते हैं। ये लाइन लगी हुई है, यही होगी लाइन जो मुझे सीख रही है सामने। अभी दिखाता हूँ आपको अंदर जाके, कुछ दिखा पाता हूँ। तो फाइनली मेरे दर्शन हो गए श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। सब कुछ अच्छे से हो गया, दर्शन हो गए, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। यार अंदर तो फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ कुछ भी। तो मिलता हूँ आपसे, मैं बाहर के नज़ारे आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ठीक है, ज्योतिर्लिंग मेरा कवर हो गया है, बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छी चीज़ें थी, सारा कुछ कवर हो गया अच्छे तरीके से। यहाँ पे खुले दर्शन है, तो आप लोगों से मिलता हूँ मैं बाद में। थोड़ा सा देखता हूँ कहाँ के नज़ारे आप लोगों को दिखा पाता हूँ, और बाहर मार्केट क्या खींच के मिलेंगे आपसे अगली जगह पे। बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इसमें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादा दे नहीं पा रहा हूँ। तो एक बार डिस्क्रिप्शन मेरा इसका जरूर देखिएगा। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री महाकाल। इस तरफ से धूप पड़ रही है, तो देखो शिव जी की कितनी बड़ी मूर्ति बना रखी है, और साथ में तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये एग्जिट पॉइंट है, ये मेरे सामने एंट्री पॉइंट है, बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई हुई है। ये एग्जिट पॉइंट है बेसिकली, यहाँ से मैं एंट्री करके गया था अंदर, ये एंट्री पॉइंट है। अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। मंदिर के टाइमिंग्स वगैरह मैंने सब बता दिए। रात को ट्रेन पकड़ो सीधे आप ना, यहाँ पे सुबह सुबह पहुँच जाते हैं। बस मारती अगर देखनी है तो वो सुबह 4 या 5 बजे के करीब होती है। अगर वो किसी को देखनी है तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रेन का टाइमिंग या गार्ड, जैसे भी बंदा आ रहा है कार्ड वगैरह बस वगैरह से, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा।
यहाँ पे बस यही है, बहुत अच्छा कॉरिडोर बनाया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे, खुले दर्शन होते हैं। ये देखो यहाँ पे भीड़ लगी बढ़िया, लाइन पूरी की पूरी, ये लग खड़े हैं लोग, यहीं से खड़े होकर मंदिर गए थे। 20-25 मिनट लगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा। ये देखो एक और मूर्ति का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, बहुत सुंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए उज्जैन में। मेन ज्योतिर्लिंग, पाँचवा ज्योतिर्लिंग भी मेरा यहाँ पे कवर हो गया। ये रही लाइन, यहीं से अंदर गए थे, बहुत अच्छा बना रखा है अंदर। ये देखो ये एक और स्ट्रक्चर, धूप की किरण की वजह से अगर आपको प्रॉपर ना दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत सुंदर बनाया हुआ है, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइज बहुत मज़ा आ गया ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके, बहुत ही मज़ेदार। एक चीज़ और दिखाता हूँ आगे, ये देखो शिव जी भगवान, बहुत ही प्यारी मूर्ति है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी। बाकी वहाँ पे एक ना यार ये रिवर बहती है जो देवस से आती है, मैंने आपको बताया था कौन सी रिवर है, मेरे को नाम नहीं पता। बाकी ये एंट्री पॉइंट है, ये लिखा श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो गाइज मज़ा आ गया दर्शन करके, बहुत मज़ा आ गया दर्शन करके। बाहर की मार्केट वगैरह अगर मैं आपको थोड़ी सी दिखा पाऊँगा तो दिखा दूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जगह बहुत प्यारी है, ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जरूर आना गाइज उज्जैन में। एक बार शायद मैं फिर से आऊँगा, बताऊँगा किसी रीज़न की वजह से मेरे को शायद फिर आना पड़ेगा। तो बाकी आप लोगों से मिलते हैं बाद में, बाहर के कुछ मार्केट के नज़ारे होंगे तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। जय श्री महाकाल।